अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा जून का मंथ 2023 टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। आपको मैं बताता चलूं, टॉरस वालों का जो प्रोफेशनल मामलात हैं उसमें कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है 12 जून के बाद से। कुछ आपके मामलात काफ़ी अरसे से जो रुके हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी दोस्त या कोई पुराने दोस्त से आपको कोई फ़ायदा होने के इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों का आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। माली तौर पर खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए होंगे और अर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा कम हुई होगी, बल्कि हो मैं ये कहूँगा कि उल्टा कर्ज़ों की तरफ आपका जैसे कहते हैं ना कि ये लेके जाता है। तो ये आपका प्रीवियस टाइम बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तरफ परेशानी वाला रहा है, अभी भी ये पोजिशन चल रही है। जब तक आपका दूसरे और पाँचवें घर का मालिक लगन पर नहीं आ जाता तब तक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जून के मिड तक तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर खर्चों को कमी की तरफ लेके चलना है, खर्चों को तरफ बैलेंस करके लेके चलना है। आपकी पर्सनालिटी में जो एक जिसे कहते हैं ना कि कमज़ोरी और एक डलनेस आई हुई थी और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन का मूड आपका चल रहा था, उसमें आपकी कोई बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई नए लोगों के साथ ताल्लुकात या नए दोस्तों की तरफ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, उन सबको कोई फ़ायदा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। कुछ लोगों से बात करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो घर वाले हों, दोस्त हों, रिश्तेदारों, कोई हो सकता है उनसे कोई बात इख्तलाफात या बात करते करते कोई लड़ाई झगड़े की तरफ जाना, इस चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। एकदम कोई प्लान आपका हो सकता है सफ़र से रिलेटेड या घूमने फिरने का, आपको एकदम दिल चाहे या कहीं मैं जाऊँ सफ़र से रिलेटेड। वालदा की हेल्थ के मामलात में भी ज़रा भी ज़रा कमज़ोर पोजीशन चल रही है, ख़ास तौर पे वालदा के लोअर लेग्स आपके और उनकी टांगों के मतलब निचले हिस्से में दर्द होना या कोई हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, एक स्ट्रेस लेवल वालदा की हेल्थ की तरफ आता है और ख़ास तौर पे डिप्रेशन को लेकर भी जाता है। तो मैं आपको इसकी एंड में एक रेमेडी भी बताऊँगा कि क्या करनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर लेने से पहले, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर डिले कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इस फेज में अभी चेंज करना, क्योंकि माना कि सैटर्न आपका कारक प्लैनेट है, आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, मगर आपके चौथे घर का मालिक जो लगन पे चल रहा है ये इतनी अच्छी पोजिशन नहीं होती। इस ग्रुप का एनिमी प्लैनेट है सन, तो आपको अभी फिलहाल जब तक ये ट्रांजिट मूव नहीं करता भी आपको ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा। बच्चों की तालीमी मामलात, बच्चों की हेल्थ के मामलात या बच्चों की जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली होगी। अगर आपको टॉरस मतलब मैं ये कहूँगा कि उनकी तालीमी मामलात में भी बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिली होगी। तो जब ये मरकरी ट्रांजिट मूव करेगा मिड जून के बाद से, आपको बहुत ज़्यादा अपने तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई मोहब्बत के मामलात में अगर आपकी नाकामी चल रही है या एक जिसे कहते हैं ना कि दिल दुखा हुआ चल रहा है, एक डिप्रेशन में चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कोई नई डायरेक्शन नए मामलात में या नए कोई कहते हैं कि पार्टनरशिप के मामलात में भी आपका रुझान जाए कि शादी भी एकदम हो सकती है। तो ये वो वाला फेस होगा आपका कि मोहब्बत वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन वाला फेस रहा है। पेट से रिलेटेड खास तौर पे मैदे के ऊपर एसिडिटी, तेजाबियत, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ केयर और आंतों में जैसे होता है ना, क्योंकि केतु आपका छठे घर में चल रहा है, पेट में सख्ती या मरोड़ टाइप के होना, तो थोड़ा सा ज़रा आपके मैदे में गर्मी या इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आपका सफ़र के मामलात की अगर मैं बात कहूँ तो सफ़र के मामलात मैंने आपको कहा था कि एकदम कोई प्लान करना या एकदम कोई घूमने फिरने का दिल चाहना या अच्छा कुछ बाहर का मतलब खाने पीने की तरफ आपका रुझान थोड़ा बढ़ सकता है। वेट भी आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है। आपको अपने वजन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि आपका जो दसवें घर में सैटर्न चल रहा है, ये इस साइचे का बहुत बेनिफिट प्लानट है, तो आपको शुरू में थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम होगी जून जुलाई अगस्त, मगर यहाँ अगस्त के बाद से बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंबे टाइम के लिए इसका ट्रांजिट रहता है, खैर मैं जून का बता रहा हूँ, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मगर मेन बात कहने की ये कि ये जो डायरेक्शन बन रही है जून के मंथ बन रही है और ये जून के 12 जून के बाद से आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। बड़े बहन भाई या बड़े कज़न या एकदम कहीं से कोई अमाउंट का मिलना, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। बड़े बहन भाइयों से, बड़े कज़न से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या कोई आपसे बड़ी उम्र वाला इंसान आपको कोई फ़ायदा दे सकता है, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी आपको कोई बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है।
एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, आपके जायचे में जो 12वां घर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तक इसको एस्ट्रोलॉजर कुछ जो है वो इतना अच्छा नहीं कहते 6-8-12 को, मगर मैं आपको खास ये बताऊं कि जुपिटर भी आपका इधर चल रहा है, मरकरी भी इधर चल रहा है, राहु भी इधर चल रहा है, ये बहुत जैसे कहते हैं कि भारी भरकम हुआ है ये घर, तो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा जो कि फ्रॉड टाइप के हों, चीटर टाइप के हों, या आपको मुंह पे मोहब्बत कर रहे हो, मगर वही लोग करीबी लोग भी हो सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मगर करीबी लोग भी हो सकते हैं वो, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा वो रिश्तेदारी की सूरत में भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने क्लोज उसमें ये मार्क करता है, तो उनसे कोई दिल ख़राब हो जाना या लड़ाई झगड़े होना या उनकी असलियत खुल के आपके सामने आना, ये जून के मंथ आपको देखने को मिल सकती है। आपके ख्वाब बहुत हकीकत के करीब तर होंगे, आपके ख्वाब, क्योंकि 12वां घर ख्वाबों का भी होता है, नींद का भी होता है, तो आपको ख्वाब जो होंगे वो आपको इशारा आपको उससे मिलेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके कुछ कानूनी मामलात में कुछ उलझन चल रही है, तो जून के मंथ के मिड के बाद से वो भी आपकी बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। एक दो चीज़ों का मैं खास कहूँगा कि अगर वो टॉरस वाले लोग जो नशों में हैं या गलत एक्टिविटीज़ में हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। इसमें उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है, क्योंकि जुपिटर और राहु की जो पोजीशन होती है ये वो होती है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक एकदम हिट करने वाली चीज़, तो इस टाइम में ये मौका नहीं देता। अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ ऐसी चल रही हैं, मतलब जो नशे से रिलेटेड, या कोई और किसी को चीट करके बैठे हुए हैं, या किसी का पैसा दबा के बैठे हुए हैं, तो इस टाइम पे ये इसको समझ लें कि ये सज़ा मिलने का टाइम भी होता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके आप आगे की तरफ स्टेप उठाइएगा। एक छोटा सा मैं आपको सदका बताऊं, दाल मसूर की दाल और काली माश की दाल आप मंगल वाले दिन किसी भी सुई पर या मासी जो होती है घर में काम करने वाली, आप उनको दे सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें।